महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगा कर्ण। पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरी मां ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था उनकी नजर में, क्या यह मेरा अपराध था। कर्ण ने तीसरी बात कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं, क्या यह मेरा अपराध था, मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो जवाब में, उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, अब जरा ध्यान से सुनो, मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा जन्म ही कारागार में हुआ, मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मेरे मां बाप से मुझे अलग होना पड़ा, जहां पहुंचा वहां हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है, गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा, मैं जब छोटा था चल नहीं सकता था तब मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किए गए, मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई, ना मेरे पास शिक्षा थी, ना गुरुकुल था बचपन में, ना कोई महल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, और जरासंध के प्रकोप की वजह से फिर मुझे यमुना पार से चलकर समुद्र किनारे द्वारका में जाकर बसना पड़ा अपने परिवार को ले जाकर। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार रही, अन्याय होता रहा, जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उस अपमान का, उस अन्याय का जवाब कैसे देते हैं, आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था।